इंदौर क्राइम ब्रांच खजराना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बीते दिनों केमिकल का इस्तेमाल कर नकली घी बनाने वाले कारखाने पर दबिश देकर वहां से 500 लीटर नकली घी बरामद किया था। उस वक्त पुलिस ने संचालक अशरफ तक एक फरार आरोपी जितेंद्र जैन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें जो मुख्य आरोपी जो पुलिस रिमांड पर है उससे लगातार पूछताछ हुई थी और उसमें उसके अनुसार ये दो लोगों को घी सप्लाई करता था, एक जितेंद्र जैन और एक अजीत जैन, पिता ऋषभ जैन। तो उनकी तलाश की जा रही थी। अभी जितेंद्र उस जैन फरार है और अजीत को हमने कल गिरफ्तार किया और उनका न्यायालय पेश करेंगे। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये उससे 180 से 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से घी लेते थे और उसको फिर जहाँ भी खपाते थे, शादी ब्याह में जिसको भी डीलर को देते थे उसमें वो 450 रुपये से 500 रुपये तक का जो बेचते थे। सर, जिनने घी खरीदा क्या उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये घी खरीदने वाली ही है। अच्छा, ये घी खरीदने वाले ही हैं। घी बनाने वाला जो अशरफ है वो ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है और उसी की जानकारी के अनुसार ये जो सप्लायर थे उसकी को हम लोगों ने गिरफ्तार। सर, ये कौन से ब्रांड का घी? इसके पास अमूल, सांची, नोवा, श्रीधी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स का जो घी इसको उसकी पैकिंग में नकली घी बना के और बेचता था। सर, ये कितने सालों से कारोबार अपने चला? 2018 से ये काम कर रहे हैं।